उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां सड़क किनारे गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली में कार घुसने से मासूम और महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला थाना तंबौर के सुमाली गांव के निकट का बताया जा रहा है। नेपाल से रेवसा मुंडन पार्टी में कुछ लोग शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच सड़क किनारे गन्ना लदी एक ट्रैक्टर ट्राली में कार घुस गई, जिसके चलते कार में सवार लोग घायल हो गए। मैं आपका मेरा घर में दुकान बनिया 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 तो ये बताइए कहाँ से आ रहे थे आप? नेपाल से आ रहे। कैसे हो गया हादसा? ये जो है अंधेला था पूरा रास्ते में जी, और उस अंधेले में जो है ट्रक खड़ा हुआ था, मतलब ट्राली खड़ी गन्ना लोड किया, और वो जो है लाइट जो गाड़ी की थी तो ज्यादा लंबी नहीं होती, पुरानी गाड़ी थी, तो नजीक जब पहुंचे तो ट्रक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, न उसके पीछे कोई लाइट था, न उजाला था, न कुछ दिखा रहा था, न ट्रैक्टर वाले को ही दिखे थे। और अचानक जब लमसम ये मान लीजिए 20 मीटर की दूरी तक उजेला जाता है, 30 मीटर 25 मीटर दूरी तक उजेला जाता है गाड़ी का, वहां तक जब पहुंचे तब तक देखे जो है ट्राली है उजेला जब पड़ा, तो ब्रेक मारते मारते सीधे उसी ट्राली में घुस गए। कहां से आ रहे थे? हम नेपाल से आ रहे। नेपाल से आ रहे थे। कहां जा रहे थे? हम रेवसा जा रहे थे। किस कार्य से? रेवसा में हमारी जो है बहन है, वहाँ जो मुंडन का कार्यक्रम था वही के जा रहे थे। तो कितने लोग थे आप? हम लोग बच्चे समेत टोटल 9 लोग। बच्चे समेत टोटल 9 लोग। 9 लोग थे। कितने लोग घायल हैं? घायल हम सब कमती में सब है, सभी लोग हैं, लेकिन जो है सबसे ज्यादा सीरियस आंटी भी है, मुझे भी यहाँ गले में लगा हुआ है, और मेरी वाइफ है उसको भी, एक मेरी बच्ची है उसको भी लगा, एक बहन है। फिर कैसे सीएससी में आपको भर्ती कराया गया जी? किस माध्यम से यहाँ पर आए? यहाँ पे वहाँ पे स्थानीय लोग जो थे जी, उन लोगों ने भी, ये मेरे भैया भी, मेरा भी हेल्प किए हैं। सत्य प्रकाश जी मास्टर जी है। नमस्ते सर, जो है मास्टर जी है, और लगाए तो वहाँ पे सब लोग थे, स्थानीय लोग भी आ गए, और आने के बाद में हमारा जो है 112 नंबर की जो है जो एम्बुलेंस पुलिस की जो है, अच्छा, अपने जो है सुरक्षा कर्मी की गाड़ी वहाँ पे पहुँची, उसके बाद में एक जो है DCM में हम उनको लेके यहाँ हॉस्पिटल में। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CSC तंबौर पहुंचाया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। उपरोक्त घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की बात सामने नहीं आई है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि सड़क के किनारे खड़ी ट्राली में रिफ्लेक्टर न होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।